प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदर राव में भोले बाबा के प्रवचन के दौरान हुई घटना सुनना और देखना रूह कपा देने वाला मामला है, जिसमें ना जाने कितनी महिलाएं, मासूम बच्चे और पुरुष कुचले गए। उनको क्या पता था कि बाबा का आशीर्वाद लेना उनकी जान पर बनाएगी। वहीं इस घटना के पीछे अहम और बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल इस घटना के 24 घंटे के भीतर खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कुछ चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक भगदड़ मचने से हुई सैकड़ों मौतों के पीछे सत्संग स्थल पर बनाई गई रंगोली है, जिस पर चलकर आरोपित बाबा को निकलना था। यह सुनकर आपको भी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि बात सिर्फ रंगोली की है, पर क्या आप सोच सकते हैं कि एक रंगोली के कारण 125 लोगों की जान भी जा सकती है। चलिए हम आपको बताते हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बाबा के सत्संग में पंडाल में 125 टन बुरादे से रंगोली तैयार की गई थी। पंडाल से निकलने के बाद बाबा के भक्तों का हुजूम उस रंगोली को बाबा का आशीर्वाद मानकर दंडवत प्रणाम कर रंगोली के बुरादे को अपने साथ ले जाते हैं। इस दौरान एक साथ हजारों लोग रंगोली लेने के लिए दंडवत हुए और फिर संभलने का मौका ही नहीं मिला। चलिए अब विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल ये सत्संग कार्यक्रम नारायण साकार उर्फ भोले बाबा का था, और हर सत्संग की कार्यक्रम की तरह नारायण साकार उर्फ बाबा के रास्ते में तकरीबन 200 मीटर की रंगोली बनाई जाती है। जानकारों का कहना है कि ये रंगोली सत्संग के बाद नारायण भोले बाबा के जाने का रास्ता होता है। नारायण के भक्तों में मान्यता है कि जब वह इस रंगोली से चलकर निकल जाते हैं तो ये रंगोली बेहद पुण्य हो जाती है, और इस रंगोली के बुरादे को लोग प्रणाम करते हैं और उसका थोड़ा हिस्सा अपने घर भी ले जाते हैं। भक्तों का ये भी मानना है कि इस बुरादे से घर में बीमारियां दूर हो जाती हैं, भूत प्रेत नहीं सताते। वहीं इस घटना के बाद लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक जब नारायण साकार इस रंगोली से गुजरे तो हजारों की संख्या में लोग रंगोली को खाने के लिए पहुंचने लगे। वहीं हाथरस में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने यह भी बताया कि बाबा के निकलने के बाद रंगोली पर लोग टूट गए और बेकाबू हो गए। उसके बाद लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उतरने लगे। फिलहाल स्थानीय पुलिस केस खुफिया यूनिट की ओर से जुटाई गई जानकारी को जिम्मेदार अधिकारियों को साझा किया गया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।